तो हम क्या करेंगे, पहले डीजल डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब मैंने 10 मिनट छोड़ दिया है फूलने के लिए। अब पहले इंजन की सफाई करेंगे, उसके बाद से काम करेंगे। इंजन की सफाई से रिलेटेड ये ईसीएम है, इसको बचाना है, मतलब ईसीएम पे नहीं धुंधू धुंधू मारना है। ध्यान करिए, ये ईसीएम है, इस पे धुंधू धुंधू मारना नहीं है। तो इंजन सफाई कर दी हमने, अब सर्विस करेंगे ना तो फिर मजा आ जाएगा गाड़ी के अंदर। तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगुण, नोएडा भारत से, और ये गाड़ी है वेंटो 2011 का मॉडल, पेट्रोल वर्जन है, और इसका मेजर सर्विस करना है। तो चूंकि मेजर सर्विस कस्टमर ने बोला है कि यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं है भाई, एक मेजर सर्विस का तो बना दो, तो हम मेजर सर्विस का वीडियो बना रहे हैं। भेजो बाहर निकालो, अरे तेरी यार कितना। ये ऑयल फिल्टर हमने खोल दिए हैं, ये एयर फिल्टर है, और एयर फिल्टर की क्या कहानी है। हाँ यही, ये बदलने वाला हो गया। ये हाउसिंग को भी खोलो, इसको भी सफाई करेंगे। इसमें जो है आपका ये ग्रीन कलर का कूलेंट डला हुआ है, और इस गाड़ी में चूंकि पिंक कलर का कूलेंट डलता है, तो अब मैं ये गलत कूलेंट डल गया है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कस्टमर ने भी मेरे को बोला है चेंज करने के लिए। हालांकि कूलेंट से कोई दिक्कत तो है नहीं, पर वो बोला है चेंज करने के लिए, तो मैं चेंज करूँगा, क्योंकि कस्टमर जो बता रहे हैं उसकी बात मानना पड़ेगा, ज़रूरी है, तो इसको चेंज करूँगा। उससे पहले क्या होगा, ये गाड़ी 2011 का मॉडल है, तो रेडिएटर आज तक सफाई नहीं हुआ है, तो हम इसको रेडिएटर की सफाई करेंगे, तो कूलेंट भी चेंज हो जाएगा और हमारा रेडिएटर की भी सफाई हो जाएगा। अभी स्पार्क प्लग को खोल रहे हैं, और थोड़ा सा टोटल बॉडी में मैंने देखा था तो बहुत ज़्यादा रस्ट है, देख सकते हैं ना रस्टिंग कितना ज़्यादा है। आजा आई भाई, बहुत ज़्यादा जाम है यार टोटल बॉडी। अरे थोड़ा फूलने देते हैं इसकी मिट्टी को, उसके बाद से हम इसकी सफाई करेंगे। बढ़िया, इस थ्रोटल बॉडी को पेट्रोल से धो रहे हैं, और पेट्रोल ये रहा। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यार पेट्रोल गाड़ी से निकालते हैं, पर हम गाड़ी से पेट्रोल नहीं निकालते हैं। इधर आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि देखो कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मन के अंदर। मैंने 20 लीटर पेट्रोल मंगाए हुए हैं खाली सामान धोने के लिए, क्योंकि हमारा इंजनों का काम बहुत ज़्यादा है, तो हम 20 लीटर पेट्रोल मंगा लिए एक ही बार में। हम इस पेट्रोल से यूज करते हैं, ना कि गाड़ी के अंदर से पेट्रोल निकालते हैं। थ्रोटल बॉडी हमने अच्छे से क्लीन कर दिया, देख सकते हैं जितना संभव हो सका इसकी क्लीनिंग का जमा पड़ा, बहुत ज़्यादा रेगमार बजाना पड़ा मुझे, तब जाके अच्छे से क्लीन हो पाया। अभी से फिट कराते हैं। अभी प्लग को खोल रहे हैं, गोटी डाली है हमने, ऑयल देख सकते हैं कितना प्लगों के अंदर। ये सही है, इसमें ऑयल आ रहा है, थोड़ा सा इसमें आया है, और ये सही है, इधर वाला देख रहे हैं ना, ये सही है, और ये दो नंबर का देख रहे हैं ना, इसमें ऑलरेडी ऑयल आया हुआ है पहले का। तो चूंकि ये ऑयल आ रहा है इसकी पैकिंग से, अब पैकिंग का प्रोसेस है लंबा, इसलिए लंबा है क्योंकि सारा चैम्बर चूम्बर टाइमिंग प्लेट प्लेट टाइमिंग चैन केम पेम सब, क्योंकि केम इसी में टाइट रहता है, ये फिक्स रहता है इसी के अंदर, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम थोड़ा सा बोंड लगा के, ना तो फिर पूरा करना पड़ेगा तो बहुत बखेरना पड़ता है, हल्का सा साइडों में बोंड लगा देंगे हम, एक बार लगा के देखेंगे कहानी बन जाती है तो ठीक ठीक है, नहीं तो फिर बखेरना तो पड़ेगा ही। फिर अभी स्पार्क प्लग को खोल दिए हमने, और ये स्पार्क प्लग है, और स्पार्क प्लग की कंडीशन तो इतनी बुरी नहीं है। प्लग हमने साफ कर लिए हैं अच्छे से, और इसको लगा देते हैं क्योंकि ये पुराना प्लग है। इसके बम्पर बाहर निकाल दिए हैं, ये सलाउड आ गया, अब रेडिएटर को खोलेंगे। ये कंडेंसर है ये, और चूँकि कंडेंसर में ही लगा होता है इसका रेडिएटर, तो हमने अलग कर दिए हैं रेडिएटर को। अब इसकी क्लीनिंग करवाना होगा खुलवा के इंटरनली, तो ये रेडिएटर वाले के पास भेजो, जमा पड़ा है भी मिट्टी, और इसको भी अच्छे से थोड़ा सा वो क्लीन करो बढ़िया से। फ्लो को कम करके तब मारना इसको, कहीं ऐसा हो कि ऊपर ये देखो पतला फ्लो,
देख रहे हो ना पतला, उससे मारना है हमें। कोई बात नहीं, अरुण इधर पकड़ो जरा, इसको ऊपर करो। क्या वो भीग रहे हो क्या अरुण? नहीं हैं? नहीं, ज्यादा गंदा आता है ये, गंदा हो रहा है ना पीछे, ऊपर में दिखाओ जरा ऊपर में। बड़ी गंदगी यार। जी जी ये बोतल के अंदर ग्रीन ग्रीन है तो इसे भी हमें खोलना पड़ेगा, इसे भी खोल दो। तो ब्रेक ऑयल देख सकते हैं काफी गंदा हो गया ब्रेक ऑयल, तो हम इस ब्रेक ऑयल को भी रिप्लेस करेंगे। देख सकते हैं कंटेनर में कितना काला पड़ गया, तो इस ब्रेक ऑयल को भी हम रिप्लेस करने वाले हैं। टक टक, लेकिन ये चीज़ है नहीं है, बिल्कुल फ्री हो चुका है, टूट गया है। दूसरा चीज़ हमने स्टेयरिंग में नोटिस किया, एक ये देखो फंस रहा है ये, तो ये देखो अब फिर ये हो गया। तो कुछ देर बाद क्या होता है, अब देखो फंस गया, देख रहे हो ना ये, ये तेरी कितना हार्ड हो रहा है, तो ये अब फ्री हो गया। अभी गाड़ी बंद है, इस पर दिखा रहा हूँ मैं, तो ये चीज़ें जो फंस रही है ना, ये देख रहे हो ना, देख रहे हो कितना तगड़ा ये जंप मार रहा है, देखो। तो ये फंस रहा है कहीं, और क्योंकि दोनों पहिया चूंकि खुला हुआ है इस गाड़ी का, तो इसको फंसना नहीं चाहिए, लेकिन फंस रहा है, तो इसको देखेंगे अभी। स्टेयरिंग इसका खोल दिए हमने, कॉलम, और एक एक कॉलम है, दिखाओ घुमाओ जरा, ये फ्री है ना? जी जी, ये फ्री है, दो हिस्से में होता है, एक ये जाम है, दिखाओ। इसमें जो प्रॉब्लम थी फंसने की वो इसमें है, हमने पूरा अलग कर रखा है। अब इतना तो पता पड़ गया स्टेयरिंग व्हील जी जी, कि ये जाम यहाँ से है। बैरिंग बिल्कुल सही है, खाली इसके अंदर प्रॉब्लम है, और वो ये मुझे लग रहा है ये जो गरारी है ना ये पकड़ कर रही है, तो पूरा कंप्लीट बदलने में ही फायदा है, क्योंकि ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। अभी रेडिएटर को क्लीन करा दिया है अच्छे से, अब इसे फिट करेंगे। रेडिएटर को फिट करा रहे हैं इधर, इसके दोनों चिमटे खुलवा दिए हमने, बाकी सब चीज़ चेक किया, बढ़िया है। ये चिमटे ये रहे, और दोनों ही चिमटे डेड हैं, देख सकते हैं कैसे, देख रहे हैं ना पूरा। ये क्या होता है ना, जब ब्रेक मारते हैं तो पहिया ऐसे घूमने लगता है, बस इतना सा है, ये डेड है। तो मैं ओरिजिनल चिमटा देख सकते हैं जैनवन, वो लेके आया हूँ सोना मंदिरा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, अब इसको डालेंगे। तो ये है भाई सोना कंपनी का जैनवन चिमटा, हालांकि VW का नहीं है ये, जैसे जो गाड़ी के साथ में लग के आता है वो OEM का पार्ट नहीं है ये, लेकिन सोना कंपनी का ब्रांडेड चिमटा है, बहुत बढ़िया बेहतरीन चलता है, तो हम इसको लेके आए। तो लोअर आर्म हमने बदल दिए हैं, देख सकते हैं आप, इधर का भी बदल दिया और पटली साइड का भी बदल दिया न्यू, ठीक है जी। ऑयल फिल्टर को यहाँ लगाएंगे, थोड़ा सा कचरा दिख रहा है, इसे मैं और साफ कर लूंगा, फिर मजा आ जाएगा, सफाई में मजा आ जाएगा। ये देख सकते हैं फॉक्स वैगन ग्रुप, जेन्युइन ऑयल फिल्टर है ये, और इसका देखते हैं कि क्या उसके साथ में मैच कर रहा है कहानी की नहीं, कैसे पता पड़ेगी कि वो डुप्लीकेट डला हुआ है कि लोकल डला हुआ है, क्योंकि पार्ट तो हमें जानते हो जेन्युइन डालने की शुरू से बचपन से आदत है, जेन्युइन ना हो तो मेरे को तसल्ली नहीं होती। तो इस पे ऑडी का मार्का है और जर्मनी लिखा हुआ है, जो कि इस पे कहीं है क्या ऑडी का मार्का, तो इस पे कहीं भी ऑडी का कुछ मार्का सरका नहीं है, पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा ये वाला फिल्टर जो पुराना लगा हुआ है, ठीक है। इंटीरियर अंदर से सफाई कर ली है, ठीक है, ये सफाई जरूरी है, जितना सफाई रखेंगे बेटर है यार, उतना मजेदारी आती है काम करने में। हमने तो बड़ी सफाई करी है एक एक चीज की, ये हो गया। तो इसमें इंजन ऑयल हम यूज करने वाले हैं 530 कैस्ट्रोल मैग्नेटिक, ठीक है ना, 540 डलता है, हम थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं इस इंजन ऑयल को, गाड़ी 2011 मॉडल है, पुरानी गाड़ी है, तो थोड़ा सा हल्का सा अपग्रेड कर रहे हैं हम, 530 यूज कर रहे हैं इसके अंदर।
5:40-5:30 में कोई ज़्यादा डिफरेंटेड नहीं है, अच्छा तेल है मैग्नेटिक, इसके लिए हम ये यूज कर रहे हैं। मेरे ढक्कन सारे खुलने में कैसे इतनी दिक्कत कर रहे हैं यार। तो ये दिखा लो, सील दिखाओ कैस्ट्रोल का, कोई भी ब्रांड लो, कैस्ट्रोल हो, सेल हो, मोबिल हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, यही डालो, जिसका भी बढ़िया तेल डालो, बस ओरिजिनल तेल डालो। इंजन को क्या है ना, ओरिजिनल तेल मिलना चाहिए बस, इंजन अपने आप रिस्पॉन्स करती है। 3.5 लीटर की कनस्तरी है, चमड़ना टाइट है ना जी, तो इसमें भी बहुत स्लोली जाएगा। चलो 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 चलो, बहुत स्लोली जाता है ब्रेक ऑयल, एक डब्बा और लाओ, तेजी से जा रहा है। हेला का मैं यूज कर रहा हूँ कूलेंट, कोई भी कूलेंट ले सकते हैं, ब्रांडेड होना चाहिए, चाहे हेला हो, कैस्ट्रोल हो, मोबिल हो, कोई जो मर्जी दिल करे वो ले लो। दो जरा लाओ, अगर पहले कूले उसको डाल ही लेना ब्रेक ऑयल को, और जो जैसे बॉस का हम यूज कर रहे थे, सील पैक होना चाहिए, बॉस लिखा हुआ होना चाहिए, भाई इस चीज का ध्यान रखना है। ये ब्रेक ऑयल भी काले पड़ गए थे, बात ये है ना, पूरे इसको ही बदलना बहुत जरूरी है ना। एक और लाना पड़ेगा डब्बा, आराम से जाओ, कोई बात नहीं, जल्दी क्यों कर रहे हो। तो मैं कूलेंट भी यूज करता हूँ, तब तक वो डालते रहेंगे, चलता रहेगा मामला। देख सकते हैं हेला का स्टिकर होना चाहिए, यहाँ ऐसे मार मार के देख लीजिए, लोकल बहुत जल्दी फट जाता है। इधर दिखाओ जरा, हमने फ्लश करा लिए हैं, इस डब्बे को भी क्लीन कर दिया है, रेडिएटर को भी क्लीन कर दिया, अंदर दिखाओ जरा, पूरा क्लीन हो गया है, हरे कलर का नामो निशान हमने मिटा दिया, यहाँ जो हरा कलर था। अब हम ब्रांडेड कूलेंट क्या होता है ना, जो जिस गाड़ी में सूट करता है ना, उस गाड़ी में अच्छा भी लगता है। एल्टो 800 का हॉर्न यदि मर्सिडीज में लगाएंगे मजा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो मजा नहीं मिल पाएगा। तो जो जिस गाड़ी में सूट करता है ना भाई, उसी गाड़ी में लगाना ज्यादा अच्छा रहता है। सील चेक कर करके हमने डालते जाना है। 5 लीटर हमने लिया हुआ है, स्लोली जाएगा, अभी धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि अभी पूरी लाइन खाली है ना रेडिएटर पेडिएटर का। ये देखो यहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं, अभी तो एयर निकाल निकाल के करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 5 लीटर कूलेंट हम डालते हैं। दो जी तीसरा डब्बा दो ब्रेक ऑयल का, तब तक जा रहा है धीरे धीरे। ये सील दिखाओ, इधर सील पैक दिखाओ, बॉस का जेन्युइन सील पैक होना चाहिए। आ जा भाई, भाई कितना इसमें 7.5 लीटर पड़ता है क्या? बोर्डनट खोलने वाला ओपनर इसका टूटा हुआ है, देख सकते हैं, पहले ही एल्फी लगा लगा के जुगाड़ किया हुआ है, कस्टमर ने बोला मेरे को बदलने के लिए, टूटा हुआ डिक्की में रखा था तो मैंने उसके लिए भाई। और ये देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, पूरा किटी लेके आया है, हाई क्वालिटी का ऑटोमोटिव पार्ट, बोर्डनट केबल पोलो, ये पूरा कम्प्लीट हम बदल रहे हैं। और ये नए पार्ट्स ये आए हुए हैं, गुटका पुटका सारे, ये अलग से कुछ भी नहीं मिलता है, इसका एक पार्ट भी सब एक साथ में मिलते हैं। तो इसको पूरा कंप्लीट वायर ही बदल रहे हैं, हमने तो ये गुटका भी बदल रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि वायर ही अंदर से ही जाम है, तो फिर वायर की वजह से ही टूटता है बार बार, वायर ही बदल रहे हैं। एयर फिल्टर के असेंबली को पूरा मजवाएं बढ़िया करके भाई। एयर फिल्टर हम फॉक्सवैगन ग्रुप का ओरिजिनल एयर फिल्टर मंगाए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये फॉक्सवैगन ग्रुप का जेन्युइन एयर फिल्टर, कहीं मार्का वारका नहीं दिख रहा है पे। ये रहा VW, देख रहे हैं ना, ये सीरियल नंबर मार्का, इस पे तो कोई जाति बिरादर नहीं है भाई, देखना उधर दिख रहा है क्या है? अरे ये तो ठप्पा है, डुप्लीकेट का ठप्पा है, इससे ज्यादा डुप्लीकेट तो आज तक नहीं देखा, कहाँ सीरियल नंबर इसका है, देख रहे हो कितनी धोखाधड़ी है मार्केट में, ठप्पा लगा दिया खाली व्हाइट पेंट का,
देखो हो गया जी जैनवान। अबे भाई ये बिल्कुल थका हुआ क्वालिटी का है ये आइटम, ये चीज पहचान में होती है। और इस पे ये बना हुआ है, उस पे किधर है ठप्पा लगाया, खाली खाली गड़बड़ गड़बड़ काम करने वाला काम है लोकल का भी। बाप रे मार्केट में कितनी धांधली है यार, समझ में नहीं आता यार, आदमी मिचती तो कंफ्यूज हो जाएगा। चलो लगाओ इसे, एयर फिल्टर को लगाओ, सेट करो इसमें। एक फोक लैंप की जाली मंगाई, इधर जाली थी नहीं उधर जाली थी, देख सकते हैं आप। लगा दो इसे, लगाओ एसी फिल्टर को, बाहर दिखाओ जरा, बढ़िया करके इसे साफ करके लगाओ इसे, बहुत बेहतरीन करके। एसी फिल्टर अभी देख सकते हैं आप, साफ करके हमने बढ़िया सफाई हो गया, अच्छा है अभी, बढ़िया चलेगा। ठीक है इसे लगा दो जरा। तो हमने सारा काम फाइनल कर दिया, सर्विस वर्विस सब चीज ओके हो गई। ऑयल पॉलिश स्टार्ट करो, इसमें वो डालो जरा, वाइपर वार्सअप डालो, लेके आओ एक पैकेट डालो। ठीक है पानी, बैटरी बुटरी सारा सब चीज इंटरनली सब चीज चेक कर लिया, टू जेड बंद करो इसे, वाइपर चलाओ, वाइपर पानी चलाओ। अरे शाबाश, देखो फ्लो बाहर जा रहा है, चलो रुको, बस बस इस फ्लो को सही करो, चलो ये धुआं उड़ा रही है, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, रुक जाओ। वो डाल देने से जो ना, जो हमने पैकेट डाला, देख रहे हो कैसे झाग बना रहा है, मतलब शीशा कितना नीट एंड क्लीन कर रहा है। एक बार देखते हैं सर्विस लाइट आती है क्या, इन्फेक्शन की लाइट आ रही है, देख सकते हैं, यानी सर्विस तो हमने कर दिया लेकिन सर्विस रीसेट नहीं किया। चाबी को बाहर निकालो, पहला है, रुक जाओ, पहला दूसरा दोनों बटन दबा के रखा, ऑन किया, एक दो तीन चार, 372 दिन और 115,000 किलोमीटर पे रीसेट हो गए, तो हमारा सर्विस लाइट रीसेट हो गया। अब एसी को देखते हैं, एसी क्या वर्क कर रहा है, एसी कम तो नहीं है, 15.3 15.1 यानी कि 14 पॉइंट पे आ गई एसी, तो यानी एसी हमारा बढ़िया वर्क कर रहा है। ठीक है जी, चलो जी हटाओ इसे, कितना 13.8 जी, क्या बात है यार, चलो हटाओ। अब देखो 13.5, ये चर 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 कर रही है सारे दरवाजों का, वो शैम्पू मारो इस दरवाजों पे। ठीक है फोरन फोरन बढ़िया है, वाइपर चल गया, हैंड ब्रेक की क्या कहानी है, बिल्कुल सेट है, क्लच मजा आ रहा है, ठीक है। चेक इंजन लाइट कोई कोई चेक इंजन लाइट नहीं है, फिर भी सारे डोर पर सारी अब लाइटें चेक होगी, और उसके बाद से फिर ये गाड़ी जाएगी अलाइनमेंट पे, उसके बाद से कार वासिंग होगी, और उसके बाद रोड टेस्ट कट करो।